दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच होने वाला था वो रद्द कर दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में होने वाला टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कैंप में कोरोना वायरस के मामले आने के बाद ये मैच होना असंभव हो गया था। पहले इस टेस्ट मैच को एक दिन के लिए टाला जाना तय किया गया था, लेकिन अब पूरे टेस्ट मैच को ही रद्द कर दिया गया है। हालांकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी कि ECB ने दावा किया है कि भारतीय टीम अपने प्लेयर उतारने को तैयार नहीं है। अभी BCCI के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पांचवा टेस्ट बाद में खेला जाएगा? भारत इस सीरीज को 2-1 से जीतेगा या फिर सीरीज को 2-2 पर ड्रॉ माना जाएगा? कयास ये भी है कि इस टेस्ट को अगले साल भी खेला जा सकता है। टेस्ट मैच रद्द होने की खबर के तुरंत बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपना बयान जारी किया है। ECB का कहना है कि BCCI के साथ हुई बातचीत के बाद ओल्ड ट्रैफोर्ड में होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कैंप में कोरोना के बढ़ते मामले के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। टीम इंडिया अपने प्लेयर्स तैयार नहीं कर सकी है। इंग्लैंड ने पहले मैच पर अपनी जीत का दावा किया था, हालांकि बाद में इस बयान को बदल लिया गया। ऐसे में अब इस टेस्ट मैच को रद्द माना गया है।